गुड इवनिंग सब्सक्राइबर, जैसा कि ये ऑनलाइन क्लास आपके ऑनलाइन इनरोलमेंट के ऊपर है और ये उस सीरीज का चौथा क्लास है, काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही थी, इस वजह से ये फोर्थ एपिसोड लेके मुझे आना पड़ा। इस फोर्थ एपिसोड में ओपन सेशन है, आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट जो है वो आप पूछ सकते हैं। और हर सब्सक्राइबर के अलग अलग मेरे पास आते थे फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सएप मैसेज, तो इंडिविजुअली मुझे रिप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसीलिए ये मैंने आप लोगों के रिक्वेस्ट पे ये टाइम रखा था। और इस टाइम पे आप अपने जो भी क्वेरी आ रही है, जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं। और जैसा कि मैं बता दूँ कि ये चैट सेशन खुला हुआ है, चैट सेशन सिर्फ सब्सक्राइबर के लिए है, तो जो लोग अभी देख रहे हैं और अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और उन्हें कोई प्रश्न पूछना है, अपने कोई डाउट्स क्लियर करने हैं, तो सबसे पहले वो व्हाट्सएप पे खोलें इसको, अगर आप सॉरी व्हाट्सएप पे नहीं, अगर आप व्हाट्सएप पे देख रहे हैं तो इसको आप कॉपी करें इस लिंक को, और यूट्यूब के ऊपर खोल के सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सही समय पर एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आप उसके मुताबिक अपना जो भी टाइम है उस टाइम पर आप अपने क्वेरी पूछ सकें। तो अगर आप अभी भी व्हाट्सएप या किसी और प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे होंगे ये वीडियो लिंक के द्वारा, तो उस लिंक को आप छोड़ के आप यूट्यूब में इसको खोलें और यूट्यूब में पहले इसको सब्सक्राइब करें ताकि आप अपने प्रश्न चैटबॉक्स में जाके अपनी प्रश्न डाल सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं, एक एक करके प्रश्न लेते हैं। हाँ, तो अभी एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं, तो आप कृपया करके अपना मैसेज या प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट के दरमियान क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि मैं आपको उसके हिसाब से हेल्प कर सकूं, आपको मदद कर सकूं। और जैसा कि तब तक अभी सब्सक्राइबर आ रहे हैं, तब तक मैं आपको थोड़ा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो कृपया पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा क्या होता है कि जो भी ऑनलाइन क्लासेस आने होते हैं इसका एडवांस इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल पे मिल जाता है, नोटिफिकेशन पे मिल जाता है, जिससे क्या होता है कि आप क्लासेस को मिस नहीं करते हैं। और ये खास करके क्लासेस मैं NCC कैडेट्स या स्टूडेंट्स के लिए लाता हूँ ताकि उनको इस विषय के ऊपर एक प्रामाणिक जानकारी मिल सके, सही उनको गाइडेंस मिल सके और उनको कैसे परीक्षा को कम से कम मेहनत में उनको क्रैक करना है उसके लिए यहाँ पे गाइडेंस मिल जाता है। आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा दिया जाता है, आपको सिलेबस बता दिया जाता है, जो उसके ट्रिक्स हैं वो आपको बता दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आपके जो अपने डाउट हैं, जो आपके मन में शंका है, उन शंका का प्रामाणिक तौर पर यहाँ पर निवारण किया जाता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। और तब तक मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि पिछले साल से NCC में आजकल ऑनलाइन इनरोलमेंट हो रहा है। पहले जो आपका मैनुअल सिस्टम था, कागज कलम लिखा पढ़ी से फाइल मेंटेन होता था, रजिस्टर मेंटेन होता था, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने की वजह से, सिंक्रोनाइजेशन नहीं होने की वजह से, या डाटा को वेरीफाई करने में दिक्कतें आती थी। तो उन सब चीज़ों को प्लस साथ में जो टेक्नोलॉजी अभी आपकी एडवांसमेंट आई है, डिजिटल एज आया हुआ है, इनको देखते हुए DGNCC ने पिछले साल से कंप्लीट ऑनलाइन इनरोलमेंट को ऑटोमाइजेशन करके वेबसाइट बेस्ड बना दिया है। वेलकम दीपक, जय हिंद। तो आप लोग जो है अपने कॉलेज में जो भी आपके अगर सब्सक्राइबर हैं और अगर आप NCC के कैडेट हैं, तो जो भी आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर में अगर कैडेट स्टूडेंट हैं जो NCC लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, उससे संबंधित कोई भी क्वेरी आप यहां पूछ सकते हैं ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया जा सके और आपके मन में किसी तरह की कोई शंका नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि NCC की जो ऑनलाइन इनरोलमेंट है ये आपको पिछले साल से शुरू की गई है, चूंकि ये नया नया स्टार्ट हुआ है सिस्टम, तो स्वाभाविक तौर पे जब आप कोई चीज़ नया करते हैं तो सिस्टम को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, इवॉल्व होता है, प्रॉब्लम्स आता है, क्योंकि कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले कोई और सिविलियंस होते हैं, हेडक्वार्टर वाले जो होते हैं वो
यूनिट्स का उनका टेन्योर नहीं होता है, उनको पता नहीं होता। तो कहने का मतलब, जब आप अलग अलग से चीज़ों को इकट्ठा करके एक बेहतर कार्य करने के लिए, आप कोई भी काम अगर आप करते हैं, तो ये स्वाभाविक है, नेचुरल है कि उसमें थोड़े बहुत कमी पेशी आएगी, लेकिन वो कमी पेशी आपके फीडबैक से, आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन से वो दूर किया जा सकता है, और वो धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि पिछले साल ऑनलाइन एनरोलमेंट किया गया था, उसी तरह से सेम वेबसाइट पे इस बार भी ऑनलाइन एनरोलमेंट चल रहा है। दीपक कुमार सर, इंडियन आर्मी जीडी में 12th पास बिहार सकते हैं, 10th में मार्क्स कम है। सर अभी एक दीपक कुमार ने प्रश्न पूछा कि सर इंडियन आर्मी जीडी में 12th पास बिहार सकते हैं। आपके थोड़े से जो प्रश्न है अभी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कृपया करके थोड़ा सा इसे और एक बार फ्रेम कर सकते हैं ताकि मुझे समझने में दिक्कत ना हो। दीपक आपका आई थिंक जो जिस हिसाब से आप पूछ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप अग्निवीर के बारे में पूछ रहे हैं। अग्निवीर के लिए विज्ञापन निकलता है, आप उस विज्ञापन को डाउनलोड करें, उसको पढ़ें, उसमें आपको सारे विवरण दिए हुए हैं कि आपको अग्निवीर की परीक्षा में बैठने के लिए कितने मार्क्स होने चाहिए, कितने क्या होने चाहिए। अगर उस शैक्षणिक जो आपकी योग्यता है उसको अगर आप पूरा करते हैं रिक्वायरमेंट को, तो आप एग्जाम में बैठ सकते हैं। अग्निवीर के लिए मैंने इस बार अग्निवीर का पिछले साल से थोड़े से सिस्टम में बदलाव किया गया है, उससे संबंधित मैंने 3 वीडियो अपलोड किया हुआ है। आप अगर मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो अग्निवीर करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें 3 वीडियो अपलोड किए हुए हैं, उस वीडियो को आप देख लें। और आपका जो ये स्पेसिफिक प्रश्न है मैं इसको नोट कर ले रहा हूँ, जब उस अग्निवीर का टॉपिक आएगा तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक मैंने रखा है खास करके एनसीसी के लिए, और बाकी जो भी टॉपिक आप अगर आप देते हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं तो वो टॉपिक को मैं इकट्ठा करूंगा। अगर उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर की रिक्वायरमेंट आएगी तो उसी हिसाब से मैं एक डिटेल वीडियो बना के आपको बताऊंगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा कि आपने जीडी का लिखा हुआ है तो मैंने ऑलरेडी अग्निवीर में एक डिटेल वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है कि परीक्षा कैसे होगा, क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको आप एक बार देखें तो उससे आपको फायदा होगा। आर्मी जीडी में 12th पास फ्रॉम बिहार भर सकते हैं, 10वीं में मार्क्स कम हैं। जय हिंद संजय। देखिए जैसा कि मैंने बताया, 12वीं पास हैं तो आप जीडी में बैठ सकते हैं। अब आपको मिनिमम जो बोलते हैं ना, न्यूनतम क्वालिफिकेशन या न्यूनतम मार्क्स या न्यूनतम परसेंटेज कितना है, अभी चूंकि मैंने उस चीज़ को देखा नहीं है, आपने पहली बार चूंकि यह प्रश्न पूछा है तो मुझे देखना पड़ेगा। बिना देखे मैं आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता हूँ, और चूंकि इसका मतलब है कि आप लोगों की जो क्वेरी है कि अग्निवीर में बैठने के लिए परीक्षा में कितनी न्यूनतम शैक्षणिक आवश्यकता है, कितने मार्क्स की ज़रूरत है, वो चीज़ आप जानना चाह रहे हैं, इसके बारे में डिटेल एक मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। अभी अग्निवीर के अंदर हमने नए जो परीक्षा पद्धति है, पहले जो रैली होती थी फिर एग्जाम होता था, वो सिस्टम में बदलाव आ गया है। नए सिस्टम को मैंने आपके इस चैनल के ऊपर 3 वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, और चूंकि हमारे ज़्यादा सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि जो क्लर्क जीडी वगैरह क्लर्क का जो होता है उस पर चूंकि ज़्यादा लोगों का आकर्षण होता है, तो क्लर्क का एग्जाम में क्या होगा, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, सिलेबस क्या होगा, किस किस विषयों का पर पूछा जाएगा, तो वो सारे विवरण मैंने बना दिया है। आपने चूंकि जेडी के बारे में पूछा है तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला मैं आपको जो वीडियो अग्निवीर के ऊपर लाऊंगा वो जेडी के ऊपर लाऊंगा, और उसमें आपकी ये जो एक पॉइंट्स आपने अच्छा दिया इसको मैं वहां पे कवर कर दूंगा कि आपको परीक्षा में बैठने के लिए कितनी आवश्यकता है नंबर की, क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत है, किससे क्या एडवांटेज होगा, तो ये मैं आपको वहां कवर कर लूंगा।
आप लोग जल्दी से प्रश्न पूछें। इस बार का जो आज का जो सेशन है वो मैंने एनसीसी के ऑनलाइन इनरोलमेंट के ऊपर लाया हूँ, और आप प्रश्न पूछेंगे जो भी, आप चाहे स्टूडेंट हो, चाहे एनओ हो, चाहे पीआई हो, चाहे बटालियन के कोई भी क्लर्क हो, तो कोई भी आप प्रश्न पूछ सकते थे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ये सभी को बता रखा था आज का टाइमिंग, तो आज अगर जो भी प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, मैं इंडिविजुअली प्रश्न नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ऑल भी कमिटमेंट होती है। और एक चीज़ मैं एडवांस सूचना दे देना चाहूँगा आपको, जो भी सब्सक्राइबर हमारे एनसीसी के कैडेट्स हैं उनके लिए एक विशेष योजना है, विशेष प्लान है। जिस तरह से मैंने आपको पिछले साल परीक्षा की तैयारी करवाई थी, इस बार भी मैं परीक्षा की तैयारी करवाऊंगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस बार मतलब 2024 में जो एग्जामिनेशन होगा एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, इन तीनों का पैटर्न क्या होगा, कैसा होगा, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ए सर्टिफिकेट ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, ओएमआर सीट के ऊपर होगा। ओएमआर सीट क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल के जितने भी परीक्षा होते हैं, एक सीट होता है जिसके ऊपर सर्कल या स्क्वायर बने हुए होते हैं चार, और जो भी प्रश्न पत्र आपको एक अलग मिलता है, प्रश्न पत्र में आपको चार ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी डी, या हो सकता है पांच भी दिए हों, उनमें से जो सबसे ज्यादा करेक्ट है या जो सबसे ज्यादा आंसर के नजदीक है, ओएमआर सीट में जो सर्कल होगा उसको आपको ब्लैक करना होगा। इंस्ट्रक्शन पहले आप इसमें ध्यान से पढ़ें, किसी किसी एग्जाम में उसको पेंसिल से करना होता है ब्लैक, किसी किसी एग्जाम में ब्लू पेन से करना होता है, कहीं पर ब्लैक पेन से करना होता है। तो इस तरह के एग्जामिनेशन में आपको जो प्रश्न पत्र दिए जाएंगे और आंसर शीट भी दिया जाएगा, तो एग्जाम शुरू होने से पहले आपको कम से कम मिनिमम 5 मिनट का टाइम मिलेगा। आपसे अनुरोध है कि वो 5 मिनट में टाइम वेस्ट न करते हुए प्रश्न पत्र और जो इंस्ट्रक्शन है उसको, बाइलिंगुअल होगा हिंदी और अंग्रेजी में, उनको ध्यान से पूर्वक पढ़ें ताकि आपसे कोई गलती ना हो, आपसे कोई त्रुटि नहीं हो, और जो भी आपने प्रश्न का जवाब दिया है वो सोच समझ के अच्छे तरह से दिया हुआ है, तो उसको पढ़ने के बाद ही आप आंसर देंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, ए सर्टिफिकेट का एमसीक्यू टाइप ऑब्जेक्टिव ओएमआर सीट के ऊपर होगा। और इस बार थोड़ा सा सिस्टम में बदलाव आया है, 2023 की जो नई नियमावली आई है सितंबर महीने में, उसमें बदलाव ये है कि पहले जो प्रश्न पत्र होते थे ए सर्टिफिकेट के, वो बटालियन सेट करती थी, तो उससे आपको थोड़े बहुत फायदा मिल जाता था। लेकिन इस बार आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ए सर्टिफिकेट का जो प्रश्न पत्र होगा वो बटालियन से नहीं आएगा, वो आपको उसके ऊपर जो ग्रुप लेवल है, ग्रुप हेडक्वार्टर है, ग्रुप हेडक्वार्टर प्रश्न पत्र सेट करेगी, और वही प्रश्न पत्र आपके बटालियन के ए सर्टिफिकेट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो मैं दोबारा आपको चेतावनी देना चाह रहा हूं सभी ए सर्टिफिकेट वालों के लिए कि कृपया करके पूरे विस्तृत जानकारी से पढ़ें, डिटेल से पढ़ें, करेक्ट किताब से पढ़ें, करेक्ट चैनल पे जाके पढ़ें, और सही डीजीएनसीसी के प्रेसी के मुताबिक पढ़ें, क्योंकि इस बार जो प्रश्न पत्र आएंगे डीजीएनसीसी के किताब से आएंगे। अगर आप कोई बाहर प्राइवेट पब्लिकेशन, चाहे आप क्या बोलते हैं, इटावा का पब्लिकेशन हो, चाहे पटना का हो, चाहे किसी खन्ना का हो या किसी मेरठ का हो, उन किताबों से मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एनसीसी की पढ़ाई ना करें, क्योंकि मैंने, आप जितने किताब ये बाहर से बिक रहे हैं मैंने उन सबको देखा है, वे सारे के सारे किताब जो हैं 2017 से पहले के जो पुराने सिलेबस थे, जो आज की डेट में आउटडेटेड हो चुका है, सुपरसीड हो चुका है, उस पे आधारित है। तो अगर आप गलत सिलेबस से पढ़ के जाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो आपको परीक्षा में जो प्रश्न आएगा उससे नहीं मिलेगा, तो आपको निराशा हाथ लगेगी। अगर आपके पास डीजीएनसीसी का सिलेबस है, डीजीएनसीसी की प्रेसी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसी से पढ़ें ताकि आपको परीक्षा में सभी प्रश्न हल कर पाए। और अगर आपके पास नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल पे आपको एग्जैक्टली डीजीएनसीसी के किताब और सिलेबस के मुताबिक सभी प्रश्न पत्रों को, सभी विषयों को पढ़ाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है, तो आपको फिर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके अधिकतर प्रश्न को हमने इसमें कवर कर दिया है। सर, एनसीसी बी सर्टिफिकेट का एग्जाम के बारे में बताएं। बिल्कुल, अभी मैंने ए सर्टिफिकेट का बताया, उसके बाद हम बी पे आएंगे। लाल बाबू 25 बिहार बटालियन मोतिहारी, जय हिंद। तो अभी जैसा कि मैंने बताया, इस बार ए सर्टिफिकेट ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप ओएमआर सीट के ऊपर सॉल्व किया जाएगा,
और ये जो ओएमआर सीट होगा वो आपका अलग तरीके का होगा। किसी किसी बटालियन में ओएमआर सीट का पहले पिछले साल भी उपयोग किया गया था और इस बार तो सभी को करना है, तो आप उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे। और इस बार जो प्रश्न पत्र है वो बटालियन के बजाय ग्रुप हेडक्वार्टर सेट करेगी। तो इसका दूसरा मतलब ये है कि एक ग्रुप में जो तकरीबन 7-8 बटालियंस होती हैं, तो ए सर्टिफिकेट के एग्जाम सभी बटालियन में एक ही दिन होगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ए सर्टिफिकेट एग्जाम पूरे ग्रुप के अंदर लगभग 7 से 8 बटालियन में एक ही दिन होगा, प्रश्न पत्र एक ही होगा और वो प्रश्न पत्र ग्रुप हेडक्वार्टर सेट करेगी। तो आपको बटालियन से या पीआई से या एएनओ से कुछ हवा नहीं लगने वाला है। तो इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप पढ़ाई करें, मेहनत से करें, सही किताब से करें, सही जगह से करें, सही चैनल पे करें, ताकि आप परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। अब हम आते हैं बी सर्टिफिकेट की तरफ। बी सर्टिफिकेट का जो इस बार परीक्षा होगा वह भी पिछले साल की तरह होगा, वह भी ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप होगा और ओएमआर सीट के ऊपर होगा। और यहां पर भी एक घुंडी है, घुंडी यह है कि इस बार 2023 के नियमावली के मुताबिक बी सर्टिफिकेट का जो परीक्षा होगा उसके जो प्रश्न पत्र आएंगे ग्रुप हेडक्वार्टर नहीं सेट करेगा, वो बी सर्टिफिकेट का जो प्रश्न पत्र है वो डायरेक्टरेट लेवल पे प्रश्न पत्र सेट होगा। अब जब डायरेक्टरेट लेवल पे सेट होगा तो ज्यादातर संभावना ये है कि पूरे स्टेट में या पूरे डायरेक्टरेट में बी सर्टिफिकेट का एग्जाम जो है वो एक ही दिन होगा, तो एक ही प्रश्न पत्र होगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि अभी आने वाले समय में अगले साल ए बी सी जो भी परीक्षा होगा उसके प्रश्न पत्र उच्च हेडक्वार्टर से, जो हायर हेडक्वार्टर है उच्च कार्यालय से, वो प्रश्न पत्र सेट किया जाएगा। तो किसी को पता नहीं होगा कि क्या प्रश्न पत्र आएगा, उसकी गोपनीयता बरती जाएगी और वो प्रश्न पत्र बिल्कुल डीजीएनसीसी की किताब से आएगा, उसके सिलेबस के मुताबिक आएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप किताब को पढ़ें, सिलेबस को पढ़ें, वही जो डीजीएनसीसी ने आपको दिया है या बताया है। बाहर जो आपके बुक्स पब्लिश हुए हैं, चाहे इटावा हो, चाहे पटना हो, चाहे खन्ना हो, उन किताबों में अगर आपके पास है तो कृपया करके सिलेबस के मुताबिक चैप्टर को छांट लें और सभी चैप्टर को ना पढ़ें। जो चैप्टर उसमें है मैच करता है वो पढ़ें, जो चैप्टर मैच नहीं करता वो मत पढ़ें। और इसी सब दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए, आपकी समस्या को देखते हुए, मैंने ये चैनल के ऊपर प्रॉपर डीजीएनसीसी के सिलेबस के मुताबिक जो प्रेसी या बुक डीजीएनसीसी ने बनाया है आपके लिए, उसी के मुताबिक मैंने वीडियो सारे लाए हुए हैं। अगर आप इन वीडियो को देखते हैं, नोट्स बनाते हैं और ये वीडियो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल हैं तो आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, तो आप बिल्कुल परीक्षा में अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे। उसी तरह से मैंने आखिरी में बताया, सी सर्टिफिकेट की तरफ आते हैं, तो सी सर्टिफिकेट ऑब्जेक्टिव नहीं है। सी सर्टिफिकेट 2024 में जो होगा वो पूरे भारत में एक दिन होगा, इसके प्रश्न पत्र डीजीएनसीसी के द्वारा बनाया जाएगा, तो पूरे भारत का एक ही प्रश्न पत्र होगा। हो सकता है लद्दाख के कुछ एरिए में जहां पे मौसम ठीक नहीं है उनका एक अलग हो सकता है, लेकिन लद्दाख को छोड़ के पूरे भारत का प्रश्न पत्र एक होगा। वह प्रश्न पत्र डीजीएनसीसी के द्वारा सेट किया जाएगा और सी सर्टिफिकेट ऑब्जेक्टिव नहीं है, सी सर्टिफिकेट एमसीक्यू टाइप नहीं है, सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ओएमआर सीट पे नहीं है। जिस तरह से पिछले साल जो पिछला जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट एग्जाम हुआ था, अगला सी सर्टिफिकेट एग्जाम भी पिछले की तरह होगा। यहां पे मैं एक बात दोहराना चाहूंगा, पिछले बार सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन में एक गलती हुई थी, लगभग 60% जो उसके प्रश्न पत्र थे सिलेबस से बाहर थे, इस मुद्दे को उनको बता दिया गया है। तो उम्मीद है कि इस बार जो आगामी सी सर्टिफिकेट होगा उसके सारे प्रश्न आपके सिलेबस से होंगे। तो यहां मैं आपको ए बी और सी तीनों का बता दिया। अब हम दोबारा वापस अपने सब्जेक्ट की तरफ आते हैं और दूसरा मैं बताता हूं, लगभग 20 अक्टूबर के बाद मैं आपको एनसीसी के जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे उनकी प्रैक्टिस कराऊंगा। आपसे अनुरोध है कि क्लास को अटेंड करें, सीरियसली पेपर को सॉल्व करें, ज्यादातर संभावना है कि उस क्वेश्चन बैंक के अंदर से आपके प्रश्न पत्र आ सकते हैं, तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको बिल्कुल किताब के मुताबिक जो आपको सिलेबस आपको जो बताया गया है डीजीएनसीसी का उसी के मुताबिक प्रैक्टिस होगी। लेकिन उसका फायदा तब होगा जब आप ऑनलाइन क्लास को अटेंड करेंगे,
अपने प्रश्न को पूछेंगे, अपने जो भी आपने पढ़ाई की है उसको आप रिफाइन करेंगे, तभी जाके फायदा होगा। तो अभी हम अगला प्रश्न लेते हैं। सर, बी सर्टिफिकेट में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? बी सर्टिफिकेट को पास होने के लिए उसमें क्या होता है कि कोई भी ए, बी और सी, इन तीनों के लिए कितना प्रतिशत चाहिए? आप इस चैनल के दूसरे वीडियो को देखें, उसमें मैंने इस पर डिटेल बताया हुआ है कि कितने परसेंट आपको मिनिमम चाहिए। इसके साथ साथ जो एग्जाम होते हैं उसमें अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप में, हर ग्रुप में पास होना जरूरी है, और ओवरऑल एग्रीगेट मार्क्स कितने होने चाहिए। तो उसमें दो क्राइटेरिया है, एक ओवरऑल और एक इंडिविजुअल पेपर में। तो हर पेपर में भी पास होना है और आपको ओवरऑल नंबर भी पास करना है। एग्जैक्ट कितना कितना नंबर लाना है वो मैंने एक वीडियो में कर रखा है, बता रखा है। आप इस चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक एनसीसी एग्जाम का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें तकरीबन 100 वीडियो हैं। आप वो पहले पूरे 100 वीडियो देख लें तो आपको ये कितने पास होने के लिए नंबर चाहिए ये जानने की जरूरत नहीं होगी। फिर आपका जो एम होगा वो हाई होगा कि मुझे बी ग्रेडिंग, ए ग्रेडिंग हासिल करनी है, मतलब फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन से पास करना है। तो वो आपके लिए बिल्कुल आसान है, मैंने आप ही लोगों के लिए ये वीडियो लाया हुआ है, आप उसको देखें, तैयारी करें। और उन सारे वीडियो में से आपको लगभग एक से दो वीडियो में मैंने इस चीज़ को कवर किया है कि परीक्षा पास करने के लिए आपको कितने नंबर की जरूरत है। और भी अगर ऑनलाइन का, अगर आप लोग हैं तो मैं अभी आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट के अंदर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो मैं आपको दिखाता हूं, जिससे कि आपको इसके बारे में फायदा होगा। स्वागत है डीजी एनसीसी की पाठशाला पार्ट 4 में। इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो एनसीसी के लिए अपना एडमिशन करना कराना चाहते थे, लेकिन उन्हें एडमिशन के लिए जब वे ऑनलाइन अप्लाई कर रहे थे तो उन्हें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उन्हीं के दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए ये अगली एपिसोड, अगला जो एपिसोड है ये मैं आपके पास ला रहा हूँ। और जो लोगों का या छात्रों का या एनओ ऑल ओवर इंडिया से जो मेरे पास फोन, व्हाट्सएप, इस सब चैनल के माध्यम से जो आप अप्रोच कर रहे थे, तो उसमें जितनी सारी दिक्कतें आ रही थी उसी के हिसाब से मैंने पिछले 3 वीडियो बना दिया था। अभी एक और प्रॉब्लम काफी लोगों को आ रही है कि जब वे एनसीसी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई करते हैं तो ओटीपी की समस्या आती है, क्योंकि जब आप ईमेल डालते हैं तो उस ईमेल से आप 3 ओटीपी जनरेट कर सकते हैं। 3 ओटीपी के बाद आपको ओटीपी जो है उस ईमेल के ऊपर नहीं आता है। तो बहुत सारे कैडेट्स जो थे या छात्र जो थे उनको दिक्कत आ रही थी कि सर इतनी ईमेल बनाना मुश्किल हो रहा है, सर्वर की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से ओटीपी टाइम पे नहीं आ रहा है। तो ये ओटीपी की जो समस्या थी उसके निदान के लिए इस एपिसोड में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा कि किस तरह से ओटीपी की समस्या से आप छुटकारा पा सकते हैं और ये आपके फॉर्म भरने के रास्ते में आड़े नहीं आएगा। तो अब हम चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया नीचे YouTube वीडियो में अगर आप देख रहे हैं तो नीचे जो आपका सब्सक्राइब बटन है कृपया उसे क्लिक करें, और उसी के बगल में एक बेल का सेप का आइकॉन होगा, वहां पे उसको ऑल क्लिक करें ताकि जो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए लाता हूं उसकी सबसे पहले सूचना आपको मिले और उसका आप ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। और साथ ही साथ मैं ये देख पा रहा हूं कि आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लगभग 30% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है। तो बाकी लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके सब्सक्राइब करें और देखें ताकि हमारा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से जानकारी और से भरी हुई और उपयोगिता से परिपूर्ण वीडियो आपके लिए लाता रहूं। तो अब हम चलते हैं कि कैसे आपको ओटीपी की समस्या से निजात पानी है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, क्योंकि अभी बहुत सारे स्टेट में ये लोगों को कंफ्यूजन है कि किस वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस बार भी रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके सारा मेहनत व्यर्थ न जाए, बर्बाद न जाए, पानी में न जाए।
तो इसके लिए बिना दिमाग लगाए आप सबसे पहले डीजीएनसीसी की मेन वेब पेज पे जाएं। डीजीएनसीसी का मेन जो आपका वेब पेज है वो खुला हुआ है, और इसके पहचानने का तरीका है कि जो इसका एड्रेस है अगर कर्सर को आप देखेंगे तो indiancc.nic.in, तो ये एक वेबसाइट है, ये मेन वेब पेज है। इसको आप स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे दाहिने में आपको डीजीएनसीसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एम ऑफ एनसीसी शपथ जो लेते हैं उसके बारे में, तो ये एनसीसी की डिटेल विवरण है। जब आप स्क्रॉल करके यहाँ मिड में आते हैं तो आपको ये तीन लोगो दिखता है, बीच का जो लोगो है ये जो है वो एनसीसी इनरोलमेंट का है। यहीं से आपको ऑनलाइन इनरोलमेंट के लिए मूव करना है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करेंगे करेक्ट तो आप कभी मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएंगे तो आप गलत वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं, इसलिए सबसे जरूरी है कि डीजीएनसीसी की मेन वेब पेज से आप एनसीसी इनरोलमेंट का जो लिंक दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, जब मैं ले गया माउस को तो यहाँ क्या दिखा रहा है, एनसीसी इनरोलमेंट एक्सटर्नल साइट दैट ओपन इन ए न्यू विंडो, तो जहां भी ले जाएगा वहां हम चलेंगे और आगे का प्रोसेस करेंगे कंप्लीट। तो अभी चलिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही एक्सटर्नल वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप इस पे क्लिक करें ओके, ये आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे ले जाएगा जहां पर हम बाकी ऑनलाइन का प्रोसेस करेंगे। तो चलते हैं, तो ये अभी हमारा नया वेबसाइट खुल गया जहां से किसी भी स्टूडेंट को जो एनसीसी ज्वाइन करना चाहते हैं वे इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस वेबसाइट का अगर नाम है तो वो मैं एक रिपीट कर देता हूं, ncc.auto.gov.in/enrollment। तो ये एक्चुअली आपका एग्जैक्ट वेबसाइट है, याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो जो मैंने बताया डीजीएनसीसी की वेब पेज से आप यहां आ सकते हैं। तो जब यहां लास्ट में जब इनरोलमेंट लिखा हुआ है तो आपको ये एक आइटम यहां पे खुलेगा। अब यहां पे मैं नमूने के तौर पे एक आपको ओटीपी की समस्या का समाधान दिखाऊंगा, तो बने रहें। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं और मेरा भी हौसला बुलंद रहे। तो सबसे पहले यहां पे आपका आता है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, तो ये जो चार हैं ये चारों के चारों पीडीएफ फॉर्म है, आप इसको कह सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें सबसे पहला है एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, ये इस पे आपको पहले क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको ये एक पीडीएफ खुलेगा, इस पीडीएफ को आप देख सकते हैं, इसको भरना है, भर के अपने जो भी पेरेंट्स गार्जियन जिससे भी आपको सिग्नेचर इसमें लिखा हुआ है वो ले आना है। और अगर इसके बारे में, ये जो चारों हैं इसके बारे में अगर आपको डिटेल विवरण चाहिए तो आप पार्ट वन देखें, पार्ट वन में इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उस चीज को मैं यहां दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन चारों में से पहला एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट, दूसरा मेडिकल सर्टिफिकेट, तीसरा नॉमिनेशन टू CWS, ये तीन फॉर्म मैंडेटरी है आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। इन तीनों को डाउनलोड करें, भरें कैपिटल लेटर में अच्छे से भरें, फिर जिस जिसके सिग्नेचर उसमें लेने हैं उसको आप सिग्नेचर लें, उसके नीचे नोट्स में सारा विवरण दिया हुआ है डिटेल में, उससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा आपको अपना एक पासपोर्ट साइज का फोटो, उसके बाद अपना बैंक का डिटेल, पासबुक या जहां पर भी आपके बैंक अकाउंट नंबर और डिटेल सब लिखे हैं उसकी कॉपी चाहिए, आधार की कॉपी चाहिए, प्रूफ ऑफ एडमिशन चाहिए, तो ये सब चीजें जो एडिशनल है, जैसे जैसे आगे इस वीडियो में आता जाएगा मैं आपको डिटेल में बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले आता है आपको ये फोटो अपलोड करना है, फोटो आप जेपीजी, पीएनजी, जीफ, बट आप प्रेफर कीजिए जेपीजी में, साइज लिखा हुआ है कि 2 मेगाबाइट से आपको कम होना चाहिए, 2 मेगाबाइट सफिशियंट है, पिक्चर क्लियर होना चाहिए, पिक्चर का जो साइज है 45x35 का होना चाहिए। तो चलिए नमूने के तौर पे एक मैं ऐसे ही आपको दिखाता हूं फोटो अपलोड करके, तो यहां पे आप क्लिक करते ही, जब यहां पे आप क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा, अभी देखिए यहां पे मैंने एक बच्चे का फोटो लिया है, क्या आप गलती करते हैं वो मैं दिखाता हूं। तो मैंने आपके लिए क्या है कि ये दो फोटो, एक ही फोटो को 2 अलग अलग मैंने सेव कर रखा है, इन दोनों में क्या दिक्कतें आएंगी आप देख रहे हैं, पहले का जो फाइल नेम है वो है demopp.jpg और जो दूसरा जो फाइल है वो मैंने व्हाट्सएप से लिया है, तो आप इसका फाइल नेम देख सकते हैं, व्हाट्सएप स्पेस इमेज स्पेस 2023-09-13@, जो भी है, तो इसमें घंटा मिनट टाइम सेकंड सब लिखा हुआ है। तो आप प्रेफर करेंगे जब भी इमेज लेते हैं, अगर आपने व्हाट्सएप से भी लिया है अगर क्लियर है तो उसको फाइल को रीनेम करना होगा, और रीनेम करके आपने ये कर देना है बिना किसी स्पेस का। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये सभी के लिए लागू है, तो आपको आगे प्रोसेस में दिक्कत नहीं होगी। हो सकता है कि फर्स्ट वाला जो ये है फोटो
प्रोफाइल पिक्चर के अंदर तो चल जाएगा, आपका फोटो में चल जाएगा, लेकिन डॉक्यूमेंट में ये फेल हो जाएगा। तो हम वैसे सिस्टम को अडॉप्ट करें जो हर जगह फेल ना हो। तो आप उस फाइल को छोटा कर दें, बिना स्पेस का, बिना स्पेशल कैरेक्टर का कर दें। तो जैसे अभी हमने ये छोटा कर दिया है, अभी हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए यहां पे ये अपलोड हो गया। वैसे ये फोटो का बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो ये पासपोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं है, ये सिर्फ नमूने के तौर पे मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी देखिए यहां पर आ गया इनवैलिड एक्सटेंशन, क्योंकि उसके एक्सटेंशन को अब देखते हैं कि क्यों आया ऐसा इनवैलिड। तो अभी क्या है कि मैं देखता हूं कि ये ऐसा क्यों आया, क्यों आया कि यहां पे फाइल को रीनेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो फाइल है अभी हमने जो डेमो अपलोड किया था, इसको रीनेम करने के लिए हमने जेपीजी, तो यहां से ई हटा दिया, इसको रीनेम कर दिया। तो अब देखते हैं यहां पर हमने फाइल को रीनेम कर दिया। अभी इसी चीज को हम दोबारा फिर से अपलोड करके देखते हैं। अभी देखिए हमने इसको दोबारा क्लिक किया, दोबारा इसको अपलोड किया, अभी ये एक्सेप्ट हो गया। तो अभी आपने देखा कि एक ही फाइल अगर उसका एक्सटेंशन, ये जो हमने हमारा जो पहले क्या एक्सटेंशन था जेपीईजी तो नहीं ले रहा था, लेकिन उसी फाइल को हमने डॉट, चूंकि यहां लिखा हुआ है जेपीजी, हमने डॉट जेपीजी कर दिया, वो ले लिया। तो ये इंश्योर करना जरूरी है कि यहां कोई एरर नहीं आना चाहिए और ये थंबनेल आना चाहिए। बाकी नाम आप कुछ भी, जो भी आपका एक्चुअल नाम है बुक के हिसाब से, तो मैं अभी जस्ट ऐसे ही डाल देता हूं नाम। मिडिल नेम भी आप उसी हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमने डाल दिया कुछ भी, मोबाइल नंबर भी हम एक डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद जेंडर भी हमने सेलेक्ट कर लिया। ईमेल आईडी, अब यहां पर है कि सर हमने तो तीन अपने ईमेल आईडी थे वो तो डाल दिया, और वो कह रहा है कि दोबारा ईमेल आईडी आप ऑलरेडी यूज्ड, तो ये दोबारा हो नहीं सकता यूज। अब यहां पे आप फंस जाते हैं कि सर अब हम क्या करें, ओटीपी भी नहीं आती, हो सकता है कि हम नया बनाऊं, नया डालूं, उस पर भी ओटीपी नहीं आए, अब इस तरह से मैं कितना ओटीपी ईमेल बनाऊं। तो इसी का उपाय है, इसका उपाय ये है कि कुछ वेबसाइट अवेलेबल है जो आपको टेम्पररी और अस्थायी तौर पे ईमेल बनाती है, आप उसको यूज करें, फिर उसके बाद वो सर्टेन टाइम के बाद वो ईमेल अपने आप बंद हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक मैं अभी दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। ये एक वेबसाइट है TEMP-mail.org/English में लैंग्वेज में है। तो ये एक वेबसाइट है जो आपको यहां से आप कॉपी कीजिए, और अभी आपको मैं आपको एक नया खोल के दिखाता हूं। यहां पे हमने पेस्ट करके गो कर दिया, तो देखिए यहां पर ये वेबसाइट अपने सर्वर से करके एक, ये क्या है, ये एक टेम्पररी ईमेल एड्रेस को जनरेट करेगा। तो ये देखिए ये ईमेल जनरेट हो गया, आपको कुछ नहीं करना है। इसके बगल में यहां पे देखिए कॉपी टू क्लिपबोर्ड, ये जो ईमेल है आप यहां से ऐसे करके भी राइट क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं, एक तो ये भी तरीका है। दूसरा तरीका है कि यहां से आपने कॉपी टू क्लिपबोर्ड दबा दिया, तो यहां से भी दोनों केस में देखिए आ गया योर टेम्पररी ईमेल एड्रेस, ये जो था वो कॉपी हो गया। और देखिए इसी के नीचे में यहां पे आपका ये इनबॉक्स खुला हुआ है, योर इनबॉक्स इज एम्प्टी, ये ईमेल एड्रेस इंस्टेंट जनरेट हुआ है और ये उसका इनबॉक्स है। तो अब चलिए इसी ईमेल को हम डालते हैं एडमिशन के लिए। तो यहां पे हमने इसको कॉपी किया हुआ था, यहां पे आप राइट क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं, या आप कंट्रोल भी, दोनों तरीके, कंट्रोल भी का मतलब पेस्ट, ये शॉर्टकट की है, और आप राइट क्लिक करके पेस्ट, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे हमने ओटीपी भेजेंगे, देखते हैं कि क्या ये ओटीपी हमारे उस ईमेल पे पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है। तो हमने किया सेंड ओटीपी, ये देखिए वी हैव सेंड एन ईमेल टू योर टेम्पररी ईमेल कंटेनिंग ए वेरिफिकेशन कोड। तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे टेम्पररी ईमेल में आया कि नहीं आया ओटीपी। देखिए अभी यहां पे ओटीपी नहीं आ रहा है, जो इनबॉक्स है वो वेट कर रहा है कि कोई भी ईमेल जैसे सर्वर से भेजा जाएगा वो यहां पे आपको दिखेगा। तो अभी इसमें अगर आप हम वापस देखते हैं यहां पे, तो ये क्या कह रहा है कि आपको लगभग 3 मिनट के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। तो 3 मिनट तक हम वेट करते हैं, और अगर ये 3 मिनट में ओटीपी नहीं आया तो हम दोबारा इसी वेबसाइट पे, ये जो वेबसाइट आपको मैंने दिखाया, इस वेबसाइट पे जाके आप दोबारा डिफरेंट ईमेल जनरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से बार बार ईमेल बनाने की समस्या का समाधान हो जाता है। और ओटीपी अगर आ गया 3 मिनट के अंदर तो ठीक है, नहीं आया तो हम दोबारा ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हमें बार बार ईमेल बनाना नहीं होगा। तो अभी क्या है कि हम वेट करते हैं, देखते हैं कितने देर में आता है। अभी तक तो फिलहाल कोई ई बॉक्स पे नहीं आया है, और
चूंकि ये ओटीपी में जो लेट होता है या नहीं आ पाता है, अब इसको आप 3 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं दोबारा भी। तो चलिए हम दोबारा एक बार फिर दबाते हैं, नहीं हो रहा, अभी 3 मिनट के बाद ही ये होगा। चलो 1.5 मिनट हो गया, अभी हम देखते हैं, अभी तक आया नहीं है। तो ये जो डिले होता है आपको ओटीपी आने में, इसका भी एक कारण मैं आपको बता दूं, जब तक हम 3 मिनट का इंतजार कर रहे हैं तो इसके रीजन और बैकग्राउंड बताना जरूरी है, ताकि आपको पता चल सके कि ये ऐसा विलंब या लेट क्यों आता है। तो चूंकि आपको पता है कि ये एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो जो इसका सर्वर है वो गवर्नमेंट के कंप्यूटर के ऊपर है, और आपको पता है कि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारा लोड होता है, तो इस वजह से वो एक बोलते हैं ना कि एक लाइन में वो क्यू में खड़ा हो जाता है। तो क्यू में खड़ा हो जाने से क्या होता है कि जब ऑफिस की टाइमिंग होती है तो उस समय बहुत सारे लोग आते हैं, या डिपेंड करता है कि कितने कस्टमर ने उस पर हिट किया हुआ है। तो अगर ज्यादा हिट होगा तो वो डिले हो जाता है। तो इस चीज को आप सुबह, दोपहर, शाम, रात को, लेट नाइट, तो कभी भी ट्राई कर सकते हैं। जब आपका सर्वर के ऊपर लोड कम होगा, नंबर ऑफ हिट्स कम होंगे, उस समय आपको ये तुरंत आ जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि अभी ये आ नहीं रहा है, तो अभी हम वेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे और 36 सेकेंड है। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया। फोटो जो होगा आपको, चलिए अभी फोटो के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। जो आप पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड करेंगे, वो आपका साइज मैंने बता दिया, उसका DPI लगभग 200 से 300 होना चाहिए। फाइल का जो साइज है वो लगभग 500 KB से लेके 1 MB तक आपको एक अच्छा फोटो बनता है। फोटो फ्रंट फेसिंग होना चाहिए, किसी प्रकार का गॉगल्स, पावर का चश्मा नहीं लगाना है। बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल व्हाइट होना चाहिए, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इस बच्चे के फोटो के पीछे सीन है, पिक्चर है, गार्डन या बगीचे का सीन है, तो वैसा सीन नहीं होना चाहिए, आपको बिल्कुल क्लियर इमेज होना चाहिए। उससे अच्छा ये होगा कि आपको सर्टिफिकेट इशू में इजी आएगा और आपकी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से हो पाएगी। तो अभी आप देख रहे हैं ये 00 हो गया, यहाँ पे आपका हमारे पास ईमेल नहीं आया। चलिए इसी को हम दोबारा, इसी सेम ईमेल पे मैं दोबारा ओटीपी भेजने की कोशिश करता हूँ। तो अभी देखिए हमने दोबारा ओटीपी भेज दिया, फिर से टाइमर स्टार्ट हो गया है, फिर से देखते हैं कि क्या है सीन। ईमेल को दोबारा चेक कर लेते हैं कि करेक्ट है कि नहीं है। ईमेल बिल्कुल करेक्ट है, फिर से टाइमर ऑन हो गया। एक बार हम रिफ्रेश कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं कि मैं ईमेल डाल रहा हूं, बट यहां पर ओटीपी पहुंच नहीं रहा है, तो ये दिक्कतें होती हैं। बट इसका उपाय यही है कि आप इसको बार बार ट्राई करें, जैसे ओटीपी आ जाएगा आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि अभी जो टाइमिंग है 10 बज गया है, ऑफिस खुल चुके हैं, तो इस वजह से क्या है कि ये सर्वर के ऊपर लोड आपका ज्यादा हो गया है, तो यहां पर आपको आने में विलंब हो रहा है। दूसरा जो मैंने आपको ये बताया, टेम्पररी ईमेल, अभी देखिए ये जो हमने टेम्पररी ईमेल एड्रेस किया है, अगर इसी वीडियो को मैं थोड़े आधे घंटे घंटे के बाद करूंगा तो ये ईमेल चेंज हो जाएगा, फिर एक नया ईमेल मिलेगा। तो इस तरह से हमें बार बार ईमेल बनाने का जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगा। तो अभी चूंकि इस पे ओटीपी नहीं जनरेट हो रहा है, जैसा कि आपने अभी देखा कि कुछ सर्वर में तकनीकी वजह से ओटीपी जनरेट नहीं हो रहा है, तो इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे सब्सक्राइबर के द्वारा, स्टूडेंट के द्वारा ये बताया गया कि सर ओटीपी नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रही है, क्या करें। तो इन सब का भी एक उपाय है, किसी वजह से, तकनीकी बाधा की वजह से, इंटरनेट की वजह से, संसाधनों के अभाव की वजह से, अगर आप ऑनलाइन इनरोलमेंट के लिए अप्लाई अगर नहीं कर पा रहे हैं, तो जितने भी मैंने बताए वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेके अपने इंस्टीट्यूट, कॉलेज या हाई स्कूल जो भी है वहाँ पे जाएं। उस इंस्टीट्यूट में NCC के लिए एक ऑफिस होगा और उसके अंदर आपके एक शिक्षक NCC के CTO या NO के तौर पे नियुक्त होंगे। आप उनसे मिलें और अपने फॉर्म उनको दें। आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो NO अपने लॉगिन से आपका अप्लीकेशन भर सकते हैं। वो किस प्रकार से करेंगे उसको मैं अभी आपको दिखाता हूं, ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से NO करेंगे।
आइए, अब मैं आपको बाकी लोगों से जो रिक्वेस्ट आ रहे हैं। अभी हम एक बार फिर से एनसीसी ऑटो के ऊपर कैसे एनरोलमेंट करना है एएनओ के द्वारा, वो अभी हम ट्राई करते हैं। एक नमूने के तौर पे हमने बनाया है demoano@gmail.com, पासवर्ड हमने डाल दिया, कैप्चा हमने डाल दिया और यहां से अभी हमने लॉगिन कर लिया। अभी हम एक बार फिर से एनसीसी ऑटो के ऊपर कैसे एनरोलमेंट करना है एएनओ के द्वारा, वो अभी हम ट्राई करते हैं। एक नमूने के तौर पे हमने बनाया है demoano@gmail.com, पासवर्ड हमने डाल दिया, कैप्चा हमने डाल दिया और यहां से अभी हमने लॉगिन कर लिया। लॉगिन करते ही आपके पास एक इस तरह का स्क्रीन आएगा। ऑफलाइन एनरोलमेंट करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन में जाना है, एनरोलमेंट में जाना है। तो वहां पर आप एनरोलमेंट करने के लिए दाहिने तरफ अगर आएंगे तो यहाँ पे एक प्लस साइन है, वहां पे कर्सर ले जाते ही आपको एक ऐड एनरोलमेंट का आता है आइकॉन, यहाँ पे क्लिक करते ही एक ये स्क्रीन खुल जाता है। यहाँ पर आप एक कोई भी नाम दे सकते हैं, बच्चे का जो भी नाम फॉर्म में है वो आप फर्स्ट नेम भरेंगे। अगर बच्चे का मिडिल नेम होगा तो मिडिल नेम भरा जाएगा, और अगर मिडिल नेम नहीं है तो उसका फिर लास्ट नेम भरा जाएगा। कुछ बच्चों का लास्ट नेम नहीं होता है, सिर्फ एक मात्र सिंगल वर्ड फर्स्ट नेम होता है। तो जिन बच्चों का लास्ट नेम नहीं है, सरनेम नहीं है, उनके लिए यहां पर है नो लास्ट नेम। इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं यस, यस करते ही आपका लास्ट नेम भरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका लास्ट नेम है तो इसको करें नो और लास्ट नेम आप भरें। तो हमने लास्ट नेम भर दिया। उसके बाद जेंडर आप डिसाइड कर लेंगे, जो भी है मेल फीमेल भर लेंगे। मोबाइल नंबर आप कुछ डाल देंगे, जो बच्चे का मोबाइल नंबर होगा। फोटो अपलोड करना है, अब अगर फोटो अपलोड करना है तो देखिए यहां पर हमने कुछ फोल्डर्स में बना रखे हैं। तो फोटो जो है, आप कुछ फोटो इस तरह से आते हैं जो ये आप देखेंगे, व्हाट्सएप स्पेस इमेज स्पेस डेट टाइम लिखा हुआ, तो इस तरह के फोटो में एरर आने की चांसेस हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस तरह के फोटो के जगह पे आप इस तरह का फोटो यूज करें जिसका फाइल नेम demoppp.jpg। तो ये जो फाइल नेम छोटा है इस तरह का यूज करें। और फोटोग्राफ्स कैसे लगाने हैं पासपोर्ट साइज का, वो मैंने आपको पहले वीडियो पार्ट वन में बता रखा है कि उसका साइज क्लीन होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड जो आप देख रहे हैं इस तरह का बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, प्रेफरेबली व्हाइट होना चाहिए। तो जो भी पासपोर्ट साइज का फोटो का रिजोल्यूशन कितना होना चाहिए वो सब मैंने पार्ट वन में आपको डिटेल में कवर कर दिया है, इसलिए अभी हम दिखा रहे हैं कि छोटे फाइल के साथ एक आप अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगा। फाइल का साइज 2 MB से कम होना चाहिए, बट इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि फोटो आपको धुंधला दिखे। तो स्टैंडर्ड फाइल का जो साइज है वो 500 KB से लेके 2 MB के बीच होता है। उसके बाद आप ईमेल आईडी यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि हमने कुछ भी डाल दिया, demoano@gmail.com, जो भी इस तरह का है आप इस तरह का डाल सकते हैं। फिर यहां से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, ईयर जो है ईयर भी आप यहां से चुन सकते हैं। इस तरह से डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, नेशनलिटी, इंडियन, किस क्लास में स्टडी कर रहा है वो आप यहां से डाल सकते हैं, किस कैटेगरी का है वो आप डाल सकते हैं। स्टेट, स्टेट में मैंने पहले बताया था उस स्टेट के अंदर जिस स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट है वही स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। फिर कैडेट का टाइप, अगर 11th क्लास है,
11th से लेके ऊपर है तो ये हो जाएगा सीनियर डिवीजन, और अगर जूनियर होगा तो फिर यहां से आप जूनियर सेलेक्ट कीजिएगा। तो जूनियर सीनियर मैं देख रहा हूं कि क्लास डालने के बाद ये ऑप्शन करेक्ट नहीं आ रहा है, तो इन दोनों को भरते समय आपको ध्यान रखना चाहिए कि गलत ना भरें, ऐसा ना हो कि यहां पे क्लास 8 और यहां पे हमने एसडी सेलेक्ट कर दिया तो ये मिसमैच हो जाएगा, या यहां पे क्लास 11 और यहां पे हमने सेलेक्ट कर दिया जेडी तो ये दोनों मिसमैच हो जाएगा। तो ये एक लॉजिकल एरर है, बट आपको भरते समय ये ध्यान देना है कि किस क्लास के लिए कौन सा चीज आपको अप्लीकेबल है। अगर ये 11th 12th ग्रेजुएशन फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर इक्विवेलेंट है तो ये सीनियर डिवीजन में लड़के के लिए एसडी, लड़की के लिए एसडब्ल्यू। उसके बाद जूनियर विंग के लिए जो है 8वीं 9वीं क्लास है, 8वीं और 9वीं के लिए जो आपका होगा जेडी होगा बॉयज के लिए, जेडब्ल्यू होगा गर्ल्स के लिए। तो इस तरह से आप करेक्ट भरे, फिर उसके बाद आर्मी नेवी एयरफोर्स जो भी आपके अंदर है एनसीसी वो भरे, फिर आप एड्रेस जो भी है आप एड्रेस डाल दें, पिन कोड डाल दें, पोस्ट ऑफिस डाल दें, एनआरएस डाल दें। अब यहां पे क्या है कि एक ही डाटा को बार बार डालना होता है, तो बेहतर है कि जो आपने फर्स्ट एड्रेस डाला है जहां पे बच्चे रह रहे हैं। एनआरएस मतलब नियरेस्ट रेलवे स्टेशन। काफी सारे सब्सक्राइबर का यह डाउट आया था कि सर एनआरएस मतलब क्या होता है। एनआरएस ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब होता है एन फॉर नियरेस्ट, आर फॉर रेलवे, एस फॉर स्टेशन। नजदीकी जो रेलवे स्टेशन है उसी को हम एनआरएस कहते हैं। उसी को सभी एड्रेस में कॉपी कर दीजिए ताकि यह वेब पेज फास्ट भरा जाए। सेम एज पर पेरेंट एड्रेस, यस। तो देखिए वही का वही नीचे आ गया, सेम एज पेरेंट एड्रेस, यस, ये भी कर दिए नीचे आ गया। तो ये आपके फास्ट थोड़े जाते हैं आइडेंटिफिकेशन। यहां पे एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो भी आप एड्रेस में स्टेट डालेंगे रेजिमेंटल नंबर वही जनरेट होगा। तो यहां पे ये आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि आपका जो इंस्टीट्यूट कॉलेज जो भी स्कूल है जिस राज्य में है एड्रेस वहीं का डालें। नहीं तो अगर पंजाब में आप पढ़ रहे हैं और आप हरियाणा के रहने वाले हैं, अगर वहां का नंबर डाल देंगे तो वो हरियाणा का रेजिमेंटल नंबर हो जाएगा। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इंस्टीट्यूट जिस स्टेट में है आप उसी स्टेट का एड्रेस डालेंगे। सर मार्क्स जो है आप भर सकते हैं, जो भी बच्चे की पहचान चिन्ह है, ब्लड ग्रुप आप बच्चे का सेलेक्ट कर सकते हैं, मेडिकल कंप्लेन में नो डालना है, उसके बाद यहां पर भी एनओके में भी आप सेम कर दें, यहां पे नाम डाल दें उसके जो एनओके है, नेक्स्ट ऑफ किन रिलेशन जो भी है, फादर मदर जो भी है वो आप डाल सकते हैं, एनओके का कोई नंबर डाल सकते हैं। एड्रेस बता दिया मैंने, ऊपर से सेम ले लिया, यहां से आप बैकअप बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है, फिर बैंक का नाम आप डाल सकते हैं, फिर बैंक का टाइप में आएगा सेविंग, करेंट अकाउंट नहीं होगा, फिर आपका बैंक का नाम आ जाएगा, फिर उसके बाद बैंक का एड्रेस आ जाएगा। आईएफसी कोड ध्यान से डालेंगे, आईएफसी कोड जो है गलत अगर डालेंगे तो वो नहीं लेगा। अब देखिए यहां पे ये क्यों एरर दिखा रहा है, क्योंकि हमने स्मॉल में डाला है, तो ये फर्स्ट फोर डिजिट कैपिटल में डालना है, उसके बाद कोई डिजिट अगर कम है तो हाँ ये इतने डिजिट के होंगे, तो ये डिजिट आईएफसी कोड जब तक करेक्ट डालना है ये ध्यान देना है। गेम जो भी बच्चा खेलता है वो यहाँ पे डालना है, किस लेवल तक खेलता है वो आपको यहाँ से डालना है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी डालना है, उसके बाद कोर्ट से किसी की सजा मिली है कि नहीं यहाँ पे नो होगा, क्या वो एनरोलमेंट के लिए विलिंग है तो यहाँ यस होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए तैयार है तो यस, फिर उसके बाद है कि एनसीसी में करना चाहता है तो यस, उसके बाद पहले कोई एनरोलमेंट हुआ है तो डाल सकते हैं डिटेल, और अगर नहीं है तो आप मना कर सकते हैं नहीं है कोई डिटेल, डिसमिस एनसीसी को डिसमिस किया गया कि नहीं, तो इसका जनरली नो होता है। अब आते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ एनरोलमेंट। तो एनरोलमेंट के लिए देखिए यहां पे दो फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर गैप है तो ये अपलोड ना करें, ये फाइल नेम को देखें इसमें कोई स्पेस नहीं है, इस तरह के फाइल को अपलोड करें। उसके बाद आ जाते हैं यहां पे कोई नहीं होगा, उसके बाद आते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के अंदर जो है आपका जो है
मेडिकल, ये देखिए स्पेस है, ये मैं गलत अपलोड कर रहा हूं, देखते हैं कि एरर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आधार, आधार भी अगर आप देखेंगे तो आधार हमने डाउनलोड किया हुआ है, ये आधार कार्ड एक सिंगल वर्ड है, ये करेक्ट है। उसके बाद कॉलेज एडमिशन प्रूफ, मैं देखिए हम मार्कशीट डाल रहे हैं, फोटोग्राफ्स जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपका इधर आ जाता है CWS, तो CWS देखिए ये स्पेस वाला है और ये इमेज है, तो हम इमेज डाल के देख लेते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको हम मिक्स मैच दिखा रहे हैं कि कुछ फोटो हैं, कुछ PDF हैं, तो हर तरह का हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। बैंक का ये पासबुक है, तो अभी हम देखते हैं पासबुक के नाम पे, ये बैंक पासबुक है, ये PDF में है, स्पेस है, तो ये गलत है, बट फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टिक मार्क लग जा रहा है, तो ये आपका करेक्ट होगा। और यहाँ पर हमने किया सेव, सेव करने के बाद हम देखते हैं कि क्या वो दिखा रहा है वहां पे। तो अभी हमने इसको अपलोड कर दिया है, अभी चल के हम उसको देखते हैं। ये देखिए 1:10 को दिखा रहा है, एक हमने पुराना भी। तो अभी आपने यहां देखा कि हमने मिक्स मैच कुछ स्पेस वाले भी कुछ वैसे भी सब अपलोड किए हैं। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर फाइल नेम में स्पेस है तो वो दिक्कत आती है। और अभी पिछले 2 दिन से एक और समस्या आ रही है कि आप अगर सही फाइल भी अपलोड कर रहे हैं तो थंबनेल नहीं आ रहा है। तो ये सर्वर का प्रॉब्लम है, इस पे काम चल रहा है, जल्दी उसको दूर करेंगे। तो इसका उपाय ये है कि आप डेली पहले एक अपलोड करके देखें, अगर वो नहीं ठीक से हो रहा है, व्यू में आपको ठीक से नहीं दिखा रहा है, तो आप उस दिन बाकी फॉर्म अपलोड ना करें। और जैसे ही ये प्रॉब्लम को दूर कर लिया जाएगा बैकएंड पे काम करके, जैसे आपका बेस्ट आपने अपलोड किया और वो सब कुछ अच्छे से विजिबल है, उसी दिन आप अपने कॉलेज के सारे जो आपके एनरोलमेंट फॉर्म है वो अपलोड कर दें। तो चलिए हम देखते हैं कि आज अभी जो फिलहाल 1-2 दिन से जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या है। अपलोड किया था एक, अभी आज का किया है अपलोड, तो इस अपलोड को हम देखते हैं कि इस अपलोड का रिजल्ट कैसा है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इस अपलोड में हमने फोटोग्राफ अपलोड किया, लेकिन यहाँ पे कोई फोटो नहीं आया, बाकी डिटेल्स तो ये भरा हुआ आ गया है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि हमने जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आधार किया ये नहीं आ रहा। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम अभी 1-2 दिन से आने शुरू हुए हैं। ये प्रॉब्लम इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपके जो सर्वर है उनमें कुछ इश्यूज है। जैसे ये ठीक हो जाएगा तभी आप अपलोड करेंगे। अगर इस तरह का कोई फोटो नहीं आ रहा है तो आपको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, आप होल्ड करें, इंतजार करें। जब आपका सर्वर ठीक होगा, जब सब ये दिखाना शुरू करेगा, तभी आप इसको ऑनलाइन इनरोल करें। तो उम्मीद है कि यहां पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि देखिए अभी 28 तारीख को जो हमने अपलोड किया था उसमें फोटोग्राफ्स भी दिखा रहा था और ये सब भी दिखा रहा था। तो इसलिए इंतजार करें उस दिन का, जब ये दिखाना शुरू करें तभी आप उस पर अपलोड करें। उम्मीद है कि यहां आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम देखते हैं एक अगला केस। तो जैसा कि आपने देखा कि क्या क्या सामान्य तौर पे लोग गलतियां करते हैं, तो अभी मैं उसको एक समराइज कर देता हूं। अगर स्टूडेंट ऑनलाइन इनरोलमेंट को अप्लाई करते हैं तो उनको दिक्कत आती है OTP की, OTP वक्त पे जनरेट नहीं होता है, अगर होता है तो आपको इनबॉक्स में दिखाता नहीं है, और आपने अगर 3 अटेम्प्ट मार दिया तो वो कहते हैं कि भाई इस ईमेल का यूज हो चुका है, अब दोबारा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दूसरा प्रॉब्लम आता है कि आपको बार बार नया ईमेल बनाना पड़ता है। इसका उपाय यह है कि मैंने आपको एक वेबसाइट इस लिंक में दिखाया था वीडियो में, वहां पर जाके आप एक टेम्पररी ईमेल आईडी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि उसके ऊपर भी OTP आने में टाइम लग रहा है। तो ये एक दिक्कतें हैं, सरकारी वेबसाइट्स की अपनी इश्यूज होते हैं। तो इससे बचने का दूसरा उपाय ये है सेकेंड लेवल पे कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लेके ANO के पास जाएं, ANO अपने लॉगिन से जिसको कि ऑफलाइन इनरोलमेंट कहते हैं वहां से आपके सारे फोटोग्राफ्स डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। वहां पे क्या है कि आपको OTP जनरेट नहीं होता है, तो वहां पे ईमेल का रिस्ट्रिक्शन, OTP का टाइम आउट, ये सब चीजें, या ईमेल यूज्ड, ये सब चीजें का दिक्कत ANO इनरोलमेंट में नहीं होता है। लेकिन विगत 1-2 दिन से जो मैं देख रहा हूं जो दिक्कतें आ रही हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला तो क्या हो रहा था कि ANO जो अपने PDF अपलोड कर रहे थे
उस पीडीएफ का वो फाइल नंबर में, फाइल का जो नाम है उसमें गैप डाल देते थे, अंडरस्कोर डाल देते थे। तो कोई भी स्पेस या अंडरस्कोर आपने डाल दिया पीडीएफ में, वो उसको रीड नहीं करता है, उस केस में फॉरबिडन करके आता है एरर। अगर फॉरबिडन एरर आ रहा है, इसका मतलब आपका फाइल के नाम में गैप है या स्पेशल कैरेक्टर है। तो उसका उपाय है कि आप फाइल नेम को छोटा रखें, बिना किसी स्पेस का रखें, और सिंगल वर्ड रखें, और उसमें कोई स्पेशल कैरेक्टर ना रखें। तो ये हो गया फाइल का। जब ये सिचुएशन ठीक हो गया तो अपलोड होने लगा। अभी पिछले 2 दिन से एक और समस्या आ रही थी कि हमने सब कुछ सही अपलोड किया, ग्रीन टिक भी लगा, लेकिन जब हम एप्लीकेशन को देखते हैं तो कोई भी थंबनेल नहीं दिख रहा है, ना फोटोग्राफ्स दिख रहे हैं, ना पीडीएफ दिख रहे हैं, ना जेपीजी दिख रहा है। तो इस तरह का ये 2 से 3 दिन के अंदर ये प्रॉब्लम आया है। इस प्रॉब्लम को बता दिया गया है वहां पे, तो वो उस पर काम कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन छुट्टियां हैं, तो आप 3 तारीख के बाद दोबारा फिर से ट्राई करेंगे। एटलीस्ट डेली जिन स्कूल का नहीं हुआ है तो वो कम से कम एक पहले फॉर्म भरे, भरने के बाद उस फॉर्म को खुद खोल कर देखें कि क्या सारे डिटेल सही हैं, फोटोग्राफ्स दिख रहा है, सारे डॉक्यूमेंट जो हमने अपलोड किया वो खुल रहा है अच्छे से। अगर ये सब हो रहा है, मतलब आपका सर्वर उस दिन सही काम कर रहा है, तो बाकी के जो बचे हुए आपके फॉर्म हैं फटाफट उसी दिन सारे आप अपलोड कर दें। और अगर आपने टेस्टिंग करते करते आपने कुछ, मान लीजिए 5, 6, 10, 15, या हो सकता है कि सारे बच्चे आपने अनजाने में अपलोड कर दिया, लेकिन जब व्यू कर रहे हैं तो आपको न फोटो दिख रहा है न सारे अपलोडेड डॉक्यूमेंट दिख रहे हैं, तो वैसे केस में आपका रिजेक्शन होना लाजिमी है। तो आप अपने बटालियन को अप्रोच करें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि सर जो भी हमने अपलोड किया था किसी वजह से उसके फोटोग्राफ्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो कृपया करके आप सभी फॉर्म को रिजेक्ट कर दें। जैसे ही बटालियन रिजेक्ट कर देगा तब उन बच्चों का आप सही वक्त पे जब वेबसाइट काम करता होगा उस समय आप लोड कर सकते हैं। तो ये इस तरह की जो जो समस्याएं अभी तक मेरे सामने आई उनको मैंने इसमें डिटेल में कवर कर दिया है, और उम्मीद है कि इससे जितने भी एएनओ हैं, स्टूडेंट हैं, बटालियंस हैं, उनको फायदा होगा। यहाँ पे एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, कुछ बटालियंस को ये कन्फ्यूजन है कि एनओ एनरोलमेंट से जो ऑफलाइन मोड में जो अपलोड करते हैं वो अलाउ नहीं है, तो मैं उनको ये बताना चाहूँगा, जो भी बटालियन के कर्मचारी हैं, क्लर्क हैं, या अफसर हैं, या अधिकारीगण हैं, कि ऐसी बात नहीं है। ऑफलाइन का मतलब वो हमारा पुराना जो मैनुअल सिस्टम था वो नहीं है। इस बार पिछले साल से जो ये चल रहा है ऑनलाइन एनरोलमेंट, इसका इस प्रकार से है कि जब बच्चे ईमेल आईडी से अपलोड करेंगे वो ऑनलाइन फॉर्म कहलाएगा, और उस फॉर्म को जब वो इंस्टीट्यूट में ले जाके अपने एएनओ की मदद से अगर आप अपलोड करवाएंगे तो वो ऑफलाइन कहलाएगा। तो ये आपको मैं क्लियर कर देना चाह रहा हूं कि बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अगर वेबसाइट पे आप डालते हैं वो दोनों ऑनलाइन के कैटेगरी में ही है। इंटरनली इसको अलग अलग डिफाइन किया गया है, तो ये मत समझे कि ऑफलाइन लागू नहीं है, अलाउ नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, पुराना जो मैनुअल सिस्टम था वो अलाउ नहीं है। हाँ, जो पिछले साल और इस साल में तो थोड़े बदलाव आए हैं वो इस प्रकार से हैं कि पिछले साल जो रेजिमेंटल नंबर था बटालियन को एक ब्लॉक नंबर अलॉट किया गया था, उस ब्लॉक नंबर से बटालियन उनको रेजिमेंटल नंबर देती थी, लेकिन इस साल करंट सेशन के अंतर्गत बटालियन के ब्लॉक नंबर से रेजिमेंटल नंबर नहीं देना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, डू नॉट इश्यू एनी रेजिमेंटल नंबर आउट ऑफ ब्लॉक नंबर अलॉटेड टू ईच एंड एवरी बटालियन। इवन इफ यू हैव अलॉटेड देन प्लीज अपलोड ऑल हार्ड कॉपी टू द वेबसाइट, एंड दिस ईयर ऑल रेजिमेंटल नंबर अक्रॉस पैन इंडिया विल बी ऑटोमेटिकली जनरेटेड बाय द सिस्टम। तो यू विल फाइंड इन एवरी बटालियन सम रैंडम नंबर विल बी अलॉटेड इन ऑल द कैडेट्स, इट इज नॉट ए सम पैटर्न बेस्ड ऑन ब्लॉक और स्टेट, इट इज अ रैंडम नंबर जनरेटेड बाय सिस्टम। तो प्लीज इफ यू अलॉटेड एनी रेजिमेंटल नंबर फॉर करेंट सेशन प्लीज अपलोड दैट फॉर्म टू दिस वेबसाइट एंड रजिस्टर देम सो दैट दे कैन गेट द रियल एक्चुअल एंड वैलिड रेजिमेंटल नंबर, बिकॉज दिस रेजिमेंटल नंबर विल बी यूज इन फ्यूचर ऑल्सो फॉर डीबीटी एंड
मेनी जनरेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो अभी मैं सारे बटालियन से रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने किसी वजह से, जानकारी न होने के वजह से, अगर अपने ब्लॉक नंबर जो उनको मिला था, रेजिमेंटल नंबर, अगर उसमें से निकाल के अलॉट कर दिया है, तो कृपया करके उसको होल्ड करें, कैंसिल करें, और उन सारे बच्चों को फॉर्म जो है उनको दोबारा ऑफलाइन मोड में अपलोड करके इस बार सिस्टम द्वारा, कंप्यूटर द्वारा ऑटोमेटिक रेजिमेंटल नंबर अलॉट किया जा रहा है, और वो रेजिमेंटल नंबर आपके ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। तो कृपया करके इसे अवश्य करें, अन्यथा 1 साल बच्चे का बर्बाद हो जाएगा। जैसा कि मैंने देखा कि कुछ स्टेट में, कुछ बटालियन के अंतर्गत, खास करके रिमोट एरिया में, पिछले साल भी लोगों ने मैनुअल सिस्टम में कर दिया एनरोलमेंट, बट चूंकि वो ऑफलाइन ऑनलाइन में अपलोड हुआ नहीं, तो वो वैलिड माना नहीं गया, तो वो बच्चे का 1 साल बर्बाद हो गया। साथ ही साथ आपने चूंकि उनको रिफ्रेशमेंट दे दिया है, तो वो हो सकता है कि ऑडिट ऑब्जेक्शन भी आ सकता है। तो कृपया करके इस तरह की भयानक गलती से बचें। हर बच्चों का इस बार रेजिमेंटल नंबर वेबसाइट से ही जनरेट होगा, बटालियन से कोई रेजिमेंटल नंबर ना दे, कोई ऑफलाइन या मैनुअल, ऑफलाइन मतलब मैनुअल, कोई भी मैनुअल इनरोलमेंट ना करें। अगर कर लिया है तो उन सभी बच्चों को कृपया करके अपलोड करके न्यू रेजिमेंटल नंबर अलॉट होगा, और वही उनको दे, असाइन करें, ताकि आने वाले समय में आपको किसी भी तरह का ऑडिट की इशू ना हो। तो उम्मीद है कि इससे आपको समझ में आ गया होगा। अभी एक सब्सक्राइबर का प्रश्न आया है, उसको हम लेते हैं। सर, आई हैव वन क्वेश्चन। सर, इफ वी राइट इन सी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, हाउ विल इट बी? अंकित, जैसा कि मैंने बताया है, एनसीसी हमेशा से नियम के द्वारा बायलिंगुअल, हिंदी या इंग्लिश दोनों है। आप जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हैं, सहज हैं, जिसके ऊपर आपका कमांड अच्छा है, आप उस भाषा में लिख सकते हैं। हाँ, ये जरूर है कि कुछ हिंदी, कुछ इंग्लिश, आधी हिंदी आधी इंग्लिश अवॉइड करें तो बेहतर होगा। और चूंकि आपने सी का पूछा है, तो यहां पर यह मैं बताना चाहूंगा कि सी सर्टिफिकेट आगामी 2024 में जो होने वाला है, फरवरी में होगा संभवतः, वो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म, जिस तरह से पिछले साल होता था उस तरह का है, तो उसमें आपको लिखना भी पड़ेगा। तो जो भी भाषा आप चुने, आप स्वतंत्र हैं, जिस भाषा के ऊपर आपका अच्छा नियंत्रण है, अच्छी जानकारी है, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी, तो ये दोनों में से किसी एक भाषा को आप चुन सकते हैं, तीसरी कोई भाषा नहीं है। यहां पे मैं एक चीज और कह दूंगा कि कुछ बच्चों को मैंने देखा है, खास करके वेपन ट्रेनिंग में या मैप रीडिंग में, वो रोमन लिखते हैं, तो इस रोमन हिंदी को अवॉइड करेंगे। चूंकि आपके पीआई ऑल इंडिया लेवल से आते हैं और आर्मी के अंदर रोमन हिंदी चलता है, तो वो उसी भाषा में पढ़ाते हैं, चूंकि उसमें वो कंफर्टेबल है, लेकिन आप पढ़े लिखे हैं तो आपके लिए रोमन हिंदी नहीं चलेगा। आइदर यू चूज इंग्लिश और यू चूज हिंदी, तो इन्हीं दोनों भाषाओं को यूज करें, रोमन हिंदी अवॉइड करें तो बेहतर होगा। तो उम्मीद है कि आपके ये डाउट दूर हो गए होंगे। और बी और ए और बी, ए और बी में मैं बता दूं कि आपके जो प्रश्न पत्र होंगे वो हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में होंगे, और चूंकि इस बार ए और बी ऑब्जेक्टिव होगा, एमसीक्यू टाइप होगा, ओएमआर सीट के ऊपर होगा, तो ये मैटर नहीं करता कि आपका जो रिप्लाई है वो हिंदी में है कि इंग्लिश में, क्योंकि ओएमआर सीट के ऊपर ए बी सी डी ई जो भी 4 या 5 ऑप्शन होंगे, उनको या तो कलर करना होता है, रंगना होता है, डार्क करना होता है, और फिर वो मशीन के द्वारा कॉपी चेक होता है। तो रियली देखा जाए तो आंसर शीट पे ऊपर आपका लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है ए और बी के लिए, लेकिन वहीं पर सी के लिए है, क्योंकि सी में आपको डिटेल लिखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रश्न पत्र बाइलिंगुअल होगा, ए बी और सी तीनों में, ताकि आपको पढ़ के समझने में कोई दिक्कत नहीं आए। उसके बावजूद भी अगर आपको कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, या आपको लग रहा है प्रश्न पत्र से क्लियर नहीं हो रहा है, तो जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जो भी आपको होते हैं इंचार्ज, उनसे आप पूछ सकते हैं, जितना हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे, समझा देंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो भी डाउट था वो दूर हो गया होगा। अगर अभी भी आपने अभी तक मेरे कोई वीडियो नहीं देखा है, तो कृपया करके जो एनओ हैं, स्टूडेंट हैं नए, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखें,
उन सब का जो चैट में मैंने ऑलरेडी लिंक दे रखा है, और अगर आपने इसमें नहीं देखा है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसमें एक प्लेलिस्ट है एनसीसी एग्जाम, वहां पे जाएं, और वहां पे हमने ऑनलाइन इनरोलमेंट के बारे में 4 वीडियो अपलोड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। उन चारों को देख लेंगे, आपके सारे संदेह दूर हो जाएंगे। इसके अलावा अग्निवीर के लिए भी 3 हैं, वो भी आप देख सकते हैं, वहां से आपको अग्निवीर के बारे में सारे शंका का समाधान हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप ए बी और सी सर्टिफिकेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर एनसीसी एग्जाम में जाएं। जितने वीडियो हैं मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बड़ी मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया है, उसको पूरा देखें, क्योंकि ये पूरे मटेरियल जो है आपके डीजी एनसीसी के सिलेबस के मुताबिक बनाए गए हैं, उसको देखें, पढ़ाई करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर ला सकें और अच्छे से आप पास कर सकें। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको फायदा हुआ होगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी क्लासेस आती हैं वो आपको वक्त रहते आपको पता चल जाए और आप इसको मिस ना करें। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।